हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ एक बढ़िया सी रेसिपी। तो आज हम बनाने वाले हैं आमरस और साथ में नमकीन पूड़ी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आमरस और नमकीन पूड़ी। सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे पूड़ी के लिए। तो आम को पहले हम एक साइड में रख देते हैं और डो तैयार कर लेते हैं। डो तैयार करने के लिए इसमें हम डालेंगे नमक, इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब इसमें हम डाल रहे हैं गंगरेल, 3-4 चम्मच रिफाइंड। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम डो तैयार कर लेंगे। डो बनाने से पहले इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम डो तैयार कर लेंगे। डो को इस तरह अच्छे से गूंथ लेंगे जैसे कि पूरी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो। डो बनकर देखिए तैयार हो गया है। अब इसे हम ढककर 5 मिनट के लिए रख देते हैं। और अब चलिए हम आमरस बना लेते हैं। आमरस बनाने के लिए आम को हम छीलेंगे पहले। इस तरह हम आम को छील लेंगे। इस तरह एक एक आम को लेंगे और छीलेंगे। ऊपर के हिस्से को इस तरह हम काट देंगे। आम को देखिए छील चुके हैं। अब इसको चलिए हम फेंक देते हैं छिलके को। छीलने के बाद अब इसके आम के पल्प को हम इस तरह निकालेंगे। अच्छे से इसको इस तरह निकाल देंगे। इस तरह इसको हम निकाल देंगे। कुटली को एक साइड में रखते जाएंगे। इस तरह निकालने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे चीनी। चीनी डालने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच इलायची पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरह अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसे हम मिक्सर जार में डालकर अच्छे से पीस लेंगे। मिक्सर जार में डालने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे आधा ग्लास दूध और अब लगा देंगे ढक्कन इसका। चलिए इसे हम पीस लेते हैं। इसको देखिए पीस लिया है। अब इसे एक बाउल में हम खाली कर लेंगे। मिक्सर जार में जो थोड़ा बहुत सा ये आम लगा हुआ है इसमें हम थोड़ा सा दूध डाल देंगे। दूध डालने के बाद अब इसे हम इस तरह अच्छे से मिक्स कर लेंगे और डाल देंगे बाउल में।
अब इसे हम मिक्स कर देंगे इस तरह दूध डालने के बाद। अब इसमें बारीक कटा हुआ हम बादाम डाल दे रहे हैं। तो बनकर तैयार है हमारा आमरस। अब इसे एक साइड में रख देते हैं और चलिए हम पूरी बना लेते हैं। पूरी बनाने के लिए सबसे पहले हम छोटी छोटी सी लोई बना लेते हैं। हल्का सा इस पर हम सूखा आटा इस तरह लगा देंगे। अब इस तरह हम छोटी छोटी लोई पूरी की तैयार कर लेंगे। इस तरह हम सारी लोई बना लेंगे। सारी लोई देखिए तैयार हो गई है। अब इसको हम प्लेट में रख देंगे। अब एक एक लोई लेंगे और हल्का सा सूखा आटा इस तरह लगाकर उसे हम बेलेंगे। इस तरह हम सारी पूरी बेलेंगे। इस तरह बेलने के बाद अब चलिए इसे हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए हम ले लेंगे पैन और गैस को कर लेंगे ऑन। अब इसमें हम डाल देंगे रिफाइंड ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद इसमें हम पूरी को फ्राई करेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब एक एक पूरी को डालेंगे और इस तरह हम फ्राई कर लेंगे। इसी तरह हम सारी पूरी को फ्राई कर लेंगे। अब इसे हम प्लेट में निकालेंगे और दूसरी पूरी को हम इस तरह डाल देंगे। दूसरी पूरी भी फ्राई हो चुकी है। इसी तरह हम सारी पूरी फ्राई कर लेंगे। सारी पूरी फ्राई हो चुकी है। गैस को ऑफ कर देंगे और चलिए अब हम प्लेट लगाते हैं। प्लेट हमारी लग चुकी है। अब हम आमरस पर डाल देंगे बारीक कटा हुआ बादाम। तो आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। फिर मिलते हैं आपसे दूसरी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।